खुशामदीद 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 आपका मेरे ब्लॉग्स पर। अभी जो है मैं एक बहुत ही ओल्ड वीडियो लाई हूँ जो पहले से मेरे एक मेमोरी कार्ड में सेव की हुई थी, और ये वीडियो लॉकडाउन से पहले की है। मैंने ये कढ़ाई निकाली थी वॉश करने के लिए कि मैं चेक करना चाह रही थी कि सोडे सर्फ नींबू से अगर कढ़ाई को धोई जाए तो वो कितनी साफ़ होती। मुझे कुछ खासा रिज़ल्ट नहीं मिल पाया तो मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया था आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने आज क्या सोचा कि सोच लिया कि चलो आज अपलोड कर देना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए, जो भी करो दिखाओ यूट्यूब पर, तो मैंने ये भी दिखा दिया आप लोगों के लिए। तो मैंने अपनी ये पुरानी सी कढ़ाई को धोने की कोशिश की थी सोडे से सर्फ से नींबू से, जो कि बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है इस तरह का कि पुरानी जली हुई कढ़ाई को कैसे धोए जाए, और इस तरह से धोने से काफ़ी अच्छा असर होता है, कढ़ाई वाइट हो जाती है, एकदम काली कढ़ाई सिल्वर जैसी चमक जाती है, ऐसे ऐसे दावे हैं यूट्यूब पर। तो मैंने उन सब वीडियोस को देखा था तो और वही करना चाहा था, तो मैंने सोडा और सर्फ नींबू सब देकर पानी देकर मैंने इस कढ़ाई को खौला दिया अच्छे से, ताकि सारा भी जो इसके अंदर कड़ी चिकनाई और मैल जो भी इस कढ़ाई में है वो इससे सर्फ के पानी से सोडे के पानी से वो सब निकल जाए। और यूट्यूब पे यही दिखा भी रहे थे कि ये सब करने से निकल आती है, और मैंने भी यही किया। और मैंने जो नीचे का जो तला था फिर उसी सर्फ के पानी को दूसरे बर्तन में डालकर नीचे के तला को भी कुछ देर इसी गर्म पानी में डूबा हुआ छोड़ दिया था, और इसी तरह से सारे कोनों कोनों पर जितनी भी जगह थी कढ़ाई की इस तरह से मैंने डुबो कर कर लिया था। और साफ़ हुई कढ़ाई, ऐसी नहीं जो कि आप आगे देखेंगे सब कढ़ाई कितनी साफ़ हुई, लेकिन जो ये दावे होते हैं ना यूट्यूब पर कि बहुत साफ़ हो जाएगी सिल्वर हो जाएगा ऐसे वैसे बहुत दिया हुआ रहता है, आपको ये मिक्सचर कुछ नहीं करेगा, आपको ताकत लगा कर खींचना ही है बर्तन को, बहुत ताकत लगाना है। चाहे जब वो सरेस पत्थर आता है जिससे ग्रिल वगैरह साफ़ किया जाता है ना, उससे अगर आप वॉश करोगे तो रियली में साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर मेरी जो मेड है, मेरी हाउस हेल्पर जो है, जो मेरा काम में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हैं, उनको मैंने ये वॉश करने के लिए दे दिया था, उन्होंने भी बहुत ताकत लगाई, और पर उन वो भी कितना करेंगे कि वो दो तीन घर पर करती हैं, तो जितना उनका मेरे घर पर टाइम देना होता उतने देर में जितना उनसे हुआ उन्होंने किया। फिर मैंने भी इसकी घिसाई की थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से घिसाई की थी इसकी, तब जाकर जो रिज़ल्ट मैं पाई हूँ वो आप इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा कोई भी दावा नहीं कि सोडा सर्फ और नींबू आपकी कढ़ाई को सिल्वर कर देगी, ब्लैक कढ़ाई को। तो बहुत मेहनत करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखी है। इसके लिए आपको जो सरेस पत्ता जिससे कि लोहे का ग्रिल वगैरह पेंट होने से पहले रगड़ा जाता है वो अगर आप यूज़ करोगे ना तो भले इससे साफ़ हो जाएगी, और जो सारे दावे होते हैं ना वो गलत है मेरे ख्याल से, इतना भी साफ़ नहीं होता है। तो बहुत मेहनत करने पर, यानी कि उन्होंने तो मेहनत तो की नहीं, मैं भी की थी, तब जाकर ये रिज़ल्ट आया। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा।